ये अभिनंदन अभी उठा है, इसको रात को हो गया था बुखार, आज इसको स्कूल नहीं भेज रही हूँ मैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग शुरू कर रही हूँ, आप लोग कैसे हैं? आई होप, आशा करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो आज चाय चू पी लिए, नाश्ता कर लिया, आज अभिनंदन को स्कूल नहीं मैंने भेजा क्योंकि उसको कल का बुखार है, रात को बुखार हो गया था, फिर रात को उससे सांस नहीं ली जा रही थी, नाक एकदम उसका बंद हो गया था, ठंड होगी उसको, तो फिर रात को ना अभिनंदन के पापा ने ना मम्मी की वो मशीन ला के फिर उसके साथ इसको बाफ दी, तो उससे थोड़ा सा इसको रिलाइज हुआ, थोड़ा फर्क पड़ा, तो तब जाके ये सोया। तो इसके पापा ने बोला कि आज इसको रहने दे, आज इसको मत स्कूल भेज, कल भेजूंगी, क्योंकि आज मैंने कहा तू रेस्ट कर अंदर, लेकिन रेस्ट करने घर में रखने को फ़ायदा नहीं, कपड़े उसने फिर अभी मैंने उसको चिल्लाया, इतनी गुस्से से बोली, तब जाके उसने फुल बाजू बनियान और पजामा डाला। अभी ये देखो, ये पीछे आया, ये देखो रात को इसकी सांस नहीं निकल रही थी, इतना सांस इसका मुश्किल हो गया था ना कि नान एकदम नोज इसका बंद हो गया था, तो कपड़े नहीं पहनता, इसको ठंड हो गई है, तो मैंने कहा आज का दिन इसको रेस्ट करवाती हूँ, रेस्ट कहाँ करेगा, घर में फोन ही देखना और क्या करना है इसने, तो आज इसको मैंने स्कूल नहीं भेजा। तो अभी मैं पूछ रही हूँ कि तूने क्या खाना है, तो बोलता है मम्मा पीली दाल खानी है, तो मैंने कहा पीली चने की दाल बना के तो तोती मूंग की दाल बनाऊंगी, वो मैंने रखी है, तो ये देख रंग देख कैसा हो गया इसका, ठंड हो गई है। हाँ, अभी उसको मैंने बांधा हुआ है। ये अभिनंदन अभी उठा है, इसको रात को हो गया था बुखार, आज इसको स्कूल नहीं भेज रही हूँ मैं, भैया ने बोला मत भेजना इसको स्कूल, और ये इसको उठा रही है, भैया ने आके उठाया इसको। जुली, लेकिन बुखार था, लेकिन कपड़े देखो कौन से पहन के सो रहा है, कपड़े इसके यही होने चाहिए, निक्कर पहनता है, बनियान पहनता है, भैया भी गुस्से हो रहे थे कि ये कपड़े पहन के मत सोया कर, ठंड लग जाती है, पर नहीं मानता। जुली क्या कर रही है, इसको उठा रही है कि उठ जा, देख ये कैसे पता नहीं क्या बात उसके साथ इतना करती है ना ये। ए लड्डू क्या हो रहा है, अंदर रखा था, मैंने कहा इसको अंदर रख, बात नहीं करने दे रही थी। ये देखो अपने अंदर नंगे पाँव मत घूम, मैं तेरे को बोल रही हूँ नंगे पाँव नहीं घूमना, ये देख चल खोल दे इसको, चल जा जा बाहर, चल बाहर, चल 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 चल, ये देखो इधर नेल पॉलिश लगा इसके पाँव को। ये रखी मैंने दाल चढ़ाई है, और आज ये दही काफी इकट्ठा हो गया, आज इनके मैं लस्सी मक्खन निकालूंगी। ये क्या क्या ये अमरूद, इसको ज्यादा जल्दी है, ये देख लो देख लो, चल ठीक है प्लेट देती हूँ, इसको बाहर लेके जाओ, ये देखिए कैसी कैसी जा रही है, ये देखिए देखिए कहती कि यह की चीज है, जूलिया फाड़ नहीं देना, अरे ये अभिनंदन कर रहा है होमवर्क, हम फाड़ देना उन्हें, खाने के लिए जो मर्जी दे उसको, ये लो खत्म खत्म, अच्छा उसमें डालिए इसके अंदर डालिए, चल ठीक। अभी चाय चूई पी है, पी के फ्री हुए हैं, तो अभिनंदन के पापा गए हैं खेत में कनक का बीज लेके, और मेरे लिए टास्क है कि आज शाम को क्या बनाना, ये मुझे बड़ा वो होता है, तीन टाइम खाना बनाना होता है, तीन टाइम सब्जी पता नहीं चलता क्या बनाऊँ क्या नहीं, आज दोपहर को बनाई थी तोती मूंगी की दाल, तो अभी सोच रही हूँ अभी क्या बनाऊँ, मुझे कुछ समझ नहीं आया, सब्जी वाला आया था लेकिन मुझे सब्जी पसंद नहीं आई है, क्योंकि शाम को आते हैं सब्जी वाले तो वो पूरी सब्जी बिक जाए तो जो लास्ट में बचती है फिर आते हैं देने के लिए, सुबह सुबह आता है जो फ्रेश सब्जी लेके, तो मुझे समझ नहीं आई, तो मैंने कहा मैं आज अदरक लहसुन वगैरह डाल के ना प्याज टमाटर उसकी कड़ी बनाऊंगी बस, और कुछ नहीं बनाना, तो अभी मैं वही बनाने लगी हूँ। तो अभिनंदन गया हुआ ट्यूशन, लेकिन है कि उसको फ़र्क है, अब ठीक नहीं था लेकिन अभी वो ठीक है, उसकी तबीयत अब ठीक है, एक साइड पे दूध रखा एक साइड तेल रख दिया, और अभी मैं लगी कर, ये मेरी जो मशीन लाई थी ये मुझे
मुझे बड़ी अच्छी लगी, इतना अच्छा बारीक बारीक करती है ना, बहुत ज्यादा। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो इसमें इसमें करना, बस इसके साथ ऐसे करना होता ना, बस ये देखो बिल्कुल एकदम बारीक बारीक कर देगी एकदम। हल्का सा ऐसे प्रेस करो एकदम, ये देखिए देखो कितना बारीक बारीक हो गया एकदम बारीक। लहसुन प्याज अदरक हरी मिर्च पूरा